जैसे कि काफी लोगों के कमेंट रिसीव होते हैं कि सर मैंने दो या दो से ज्यादा कंपनी में काम किया हुआ है और मेरे डॉक्यूमेंट में जो डिटेल है वो पीएफ खाते में मैच नहीं कर रहा है, किसी एक दो कंपनी में मैच नहीं कर रहा है या फिर सारी ही कंपनी में मैच नहीं कर रहा है। अब इसके लिए क्या मैं पुरानी सभी वाली कंपनी का पैसा नई वाली कंपनी में ट्रांसफर करके एक बार करेक्शन रिक्वेस्ट नई वाली कंपनी में लगा दूं या फिर सभी कंपनियों में एक एक करके करेक्शन करना पड़ेगा? अगर आपके मन में भी डाउट है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज के इस नए वीडियो में आपके मैं सारे डाउट्स क्लियर कर देने वाला हूँ, पूरे लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, उसके बाद खुद ही आप आइडिया लगा पाएंगे कि आपको पुरानी सभी कंपनी में एक एक करके करेक्शन करवाना पड़ेगा या फिर नई वाली कंपनी में केवल करेक्शन करवाने से काम हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हम यहाँ पे एक एम्प्लॉई के यूएन पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं और इनके केस में हालांकि इनके नाम के मीनिंग में मिस्टेक है, यानी कि मिस्टर लगा हुआ है। अब आपके केस में आपका फादर नेम गलत हो सकता है, जेंडर गलत हो सकता है या फिर डेट ऑफ बर्थ भी गलत हो सकता है। अब देखिए इनके केस में इन्होंने कितने कंपनी में काम किया है मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे और सर्विस हिस्ट्री पे चले जाएंगे तो देखिए इन्होंने भी एक से ज्यादा कंपनी में काम किया है। अब अगर आपने एक ही कंपनी में काम किया है तो फिर तो आपको एक कंपनी में तो करेक्शन करवाना ही पड़ेगा। अब देखिए इन्होंने चार चार कंपनी में काम किया है। अब काफी लोगों के कमेंट रिसीव होते हैं कि ये पिछली सभी कंपनी का एक काम करता हूँ, पैसा नई वाली में ट्रांसफर कर लेता हूँ और उसके बाद से नई वाली में मैं ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगा दूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये जानने के लिए सबसे पहले तो हम ये चीज जान लेते हैं कि क्या इन सभी कंपनी से पैसे निकाले जा सकते हैं अगर आपका डिटेल गलत है तो, क्योंकि काफी लोग ये भी क्वेश्चंस होते हैं ना कि चलो ठीक है करेक्शन करवाने में टाइम लगेगा, दो महीना तीन महीना लगेगा, तो क्या मैं उससे पहले इन सभी कंपनी से पैसा निकाल लूं? तो देखिए यहाँ पे एडवांस के रूप में पैसे तो निकाल सकते हैं लेकिन प्रोसेस ही नहीं होगा। देखिए ऑनलाइन सर्विस, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे और क्लेम फॉर्म वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ बताया जा रहा है कि प्लीज अपडेट योर लेटेस्ट ऑथेंटिकेटेड आधार थ्रो योर एम्प्लॉयर। देखिए थ्रो आपके कंपनी के द्वारा, आपके कंपनी के पोर्टल के द्वारा यहाँ पे आपका नया आधार कार्ड जो अपडेटेड आपने चेंज करवाया है या फिर पहले से चेंज है डिफरेंट है वो अपडेट करवाना है, उसके बाद ही ऑनलाइन पैसे निकालेंगे। यानी कि उन सभी पुरानी कंपनी से आप एडवांस के रूप में पैसे तो नहीं निकाल पाओगे, ये तो कन्फर्म हो गया। अब क्या आप ट्रांसफर कर पाओगे? तो ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना होता है और ऑनलाइन मेंबर, देखिए वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट सेलेक्ट करना होता है और वहां से आप ट्रांसफर कर पाओगे। लेकिन ट्रांसफर करने के लिए ये जरूरी है कि आपके पुरानी कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी जो तीसरी वाली कंपनी है जिसका पैसा इन्होंने अभी तक निकाला नहीं है और ट्रांसफर भी नहीं किया है, यहाँ पे इन्होंने जब कंपनी छोड़ा है तो उसके बाद से कंपनी को यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर देना चाहिए लेकिन कंपनी ने तो अभी तक नहीं किया है, यहाँ नोट अवेलेबल देखने को मिल रहा है डेट ऑफ एग्जिट वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पे अगर कंपनी अपडेट नहीं करती है तो आप खुद से भी कर सकते हैं और खुद से अगर आप करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मार्क एग्जिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो भैया आपको यहाँ पे क्लियर पता चलेगा कि इस कंपनी का आप डेट ऑफ एग्जिट ही अपडेट नहीं कर पाओगे। देखिए यहाँ पे मार्क एग्जिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ बताया जा रहा है कि योर आधार इज नॉट वेरीफाइड। देखिए यहाँ पे वेरीफाइड ही नहीं है। अब कुछ लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन होगा कि भैया मैं ऐसा यूएन पोर्टल आपको दिखा रहा हूँ ऐसे मेंबर का जिनका नहीं वेरीफाइड है, तो देखिए फ्रेंड्स हालांकि मैं इसका जो सलूशन है वो पहले बता देता हूँ कि देखिए इनका आधार कार्ड तो लिंक था लेकिन डिटेल मिसमैच की वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि इनका आधार वेरीफाइड नहीं है, ईपीएफओ के द्वारा इनका जो आधार कार्ड है वो आइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम जाएंगे मैनेज वाले ऑप्शन पे और केवाईसी वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं, लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि करेंटली एक्टिव केवाईसी में इनका आधार कार्ड दो दो बार लिंक है और वेरीफाइड है। अब इनको प्रॉब्लम इसलिए आ रही है
क्योंकि इनके डिटेल में मिसमैच है। अब डिटेल में मिसमैच है, अगर आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर ही नहीं पाओगे तो पुरानी कंपनी का पैसा किस तरीके से और किस बेस पे आप नई वाली कंपनी में ट्रांसफर कर पाओगे। तो इसलिए जरूरी होगा कि आपको सबसे पहले करेक्शन करवाना है और एक एक करके सभी कंपनियों में करेक्शन करवा लेना है, यही एक चारा बनता है। इसके अलावा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैंने एक कोशिश किया था इनकी ये ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर के ऑनलाइन मेंबर रिक्वेस्ट लगाने के लिए, जो पुरानी दो कंपनियां और है ना, इनकी चार कंपनी में काम किया ना इन्होंने, एक करेंट वाली में तो कर रहे हैं और तीसरी वाली में इन्होंने छोड़ा है, लेकिन डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है और ऑनलाइन हम अपडेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डिटेल मिसमैच है। बाकी के दो कंपनियां हैं उसका पैसा हम ऑनलाइन ट्रांसफर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहां पे अलग अलग टाइप के एरर आ रहे हैं। ओटीपी तो इनके पास रिसीव हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम ओटीपी एंटर कर रहे हैं ना, तो वहां पे इनवैलिड ओटीपी करके आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हम पुरानी कंपनी का पैसा भी ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि इसका रीजन कुछ और हो, वेबसाइट पे कुछ एरर चल रहा है, इस वजह से हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। देखिए यहाँ पे जब हम ऑनलाइन मेंबर इस वाले ऑप्शन पे जाते हैं ना, ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाते हैं, तो यहाँ पे पहले तो इनका मैं ये जो भी यूएन नंबर है ये कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद से इधर पेस्ट करना है मुझे ये वाले में। देखिए दो स्टेप में आप कर पाते हैं प्रोसेस, तो यहाँ पे मैं प्रीवियस सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ प्रोसेस करता हूँ और यहाँ पे गेट डिटेल करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये ट्रांसफर रिक्वेस्ट का प्रोसेस हम कर रहे हैं। स्टेप वन में हमने मेंबर आईडी एंटर किया है और यहाँ पे गेट डिटेल किया है, तो ये सभी कंपनी दो कंपनी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि दो कंपनी में इनका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है, तो अब इन दोनों कंपनी को हम सेलेक्ट तो कर पा रहे हैं। देखिए सेलेक्ट भी हो रही है और यहाँ पे ओटीपी भी जा रहा है। यहाँ पे सेलेक्ट करके जब हम ओटीपी यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, देखिए यहाँ चेकबॉक्स पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे गेट ओटीपी करेंगे तो ओटीपी भी जा रहा है। देखिए ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, लेकिन उसके बाद का काम नहीं हो पा रहा है। उसके बाद से हम यहाँ पे ओटीपी एंटर कर रहे हैं तो एरर मैसेज देखने को मिल रहा है। चलिए मैं ये भी इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ओटीपी भी एंटर करके दिखा देता हूँ। हालांकि ओटीपी का झंझट तो ईपीएफओ ने ऐसा लगाया है कि बार बार ओटीपी मंगाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि सामने वाले पर्सन को फोन करो कभी उठता है कभी नहीं उठता है। लेकिन फिलहाल मैं इन पर्सन ने ओटीपी दे दिया है, ये दूसरे पर्सन का मैं काम कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओटीपी हमने एंटर कर लिया है, लेकिन यहाँ पे गेट ओटीपी हम नहीं करेंगे, हम तो सबमिट करेंगे ना। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे इनवैलिड ओटीपी करके मैसेज आता है। अभी मैं देखता हूँ कि ये सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने कई बार ट्राई किया है, यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग ले रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हालांकि रिक्वेस्ट तो लग गया है, देखिए बाकी पुरानी कंपनी का रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक लग गया है, देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे रिक्वेस्ट तो लग गया है, अब हम देखते हैं कि इनका पैसा ट्रांसफर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। यानी पुरानी कंपनी का आप रिक्वेस्ट लगा पा रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इससे पहले मैं कई बार ट्राई कर रहा था तो यहाँ पे इनवैलिड ओटीपी करके आ रहा था, लेकिन इस बार सक्सेस हो गया है। हालांकि इनका डिटेल अभी भी मिसमैच है और यहाँ पे केवल और केवल ये दो कंपनियां ऐसी हैं जिसमें डेट ऑफ एग्जिट पहले से अपडेट है, उनका ही हमने रिक्वेस्ट लगाया है। अब बाकी एक कंपनी ऐसी है जिसमें डेट ऑफ एग्जिट अपडेट ही नहीं है, उस कंपनी का तो हम यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, डेट ऑफ एग्जिट अपडेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपका कंपनी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर देती है तो इस बेस पे जैसे कि अभी ये बाकी के दो कंपनियों का लग गया है रिक्वेस्ट, उस कंपनी का भी आप लगा पाओगे। अब ये कंपनी का पैसा हमने ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाया है, अब ये ट्रांसफर हो पाता है सफलतापूर्वक या नहीं हो पाता है, ये मैं जल्द ही वीडियो में आपके अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अभी अभी तो रिक्वेस्ट लगाया है, अब ये एम्प्लॉयर के पास जाएगा, एम्प्लॉयर अप्रूव्ड करेगा और उसके बाद से जब ये पैसा ट्रांसफर होगा तब जाकर के मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा पूरे प्रूफ के साथ कि इनका ट्रांसफर हुआ या फिर रिजेक्ट हो गया है। अब हालांकि आप इस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टेटस चेक कर पाएंगे। देखिए मैं आपको पहले से भी दिखा देता हूँ कि इनके केस में इन्होंने पहले कोई भी ट्रांसफर नहीं किया है, तो मैं एक बार काम करता हूँ होम पेज पे आ जाता हूँ और उसके बाद से यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन सर्विसेज में लेके जाता हूँ। देखिए ट्रैक क्लेम स्टेटस चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने जो रिक्वेस्ट लगाया है केवल केवल वही रिक्वेस्ट है। देखिए ट्रांसफर क्लेम स्टेटस में आप देख पा रहे हैं, इसके पहले इन्होंने कोई पैसा वैसा नहीं निकाला है और इनका पहला हमने रिक्वेस्ट किया है अभी अभी आज के डेट में किया है, जो कि इनका क्लेम अभी पेंडिंग है और इनके अपने अपने कंपनी में जा चुका है जिस कंपनी के द्वारा अप्रूव्ड किया जाना है। अब ये कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करके दूसरी कंपनी में भी मंगा सकते हैं, इनकी मर्जी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई ऑटो क्लेम इनिशिएट नहीं हुआ है और ये केवल केवल दो कंपनी का पैसा ट्रांसफर हुआ है। एक बार मैं काफी ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, दो दो तीन तीन बार बता रहा हूँ, जिससे कि आपको सारी चीजें कंफर्म हो पाए, कोई भी डाउट ना रहे। तो सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे तो इनकी एक कंपनी जो है
कि जिसकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं है ये कंपनी रह गई है, तो इस कंपनी का आपको या तो डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कराना पड़ेगा आपकी कंपनी से, या फिर आपको भैया करेक्शन करवाने के बाद ही ये प्रोसेस करना है। तो करेक्शन एक कंपनी में कराएंगे तो करेंट वाली कंपनी में हो जाएगा, और बाद में इस कंपनी में भी आपको करेक्शन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही पैसे आप निकाल पाएंगे, उससे पहले आप पैसे वैसे नहीं निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा, आप समझ पाए होंगे कि आप किस केस में अपनी पुरानी कंपनी का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं और किस केस में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तक कि हमने ये भी जाना है कि क्या आप पुरानी कंपनी में बिना करेक्शन के पैसे निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, काफी ज्यादा डिटेल्स में हमने बात किया है, इसलिए वीडियो लेंथी हो गई। अगर आपने किसी भी पॉइंट को स्किप कर दिया है तो एक बार पूरा वीडियो देख लो, आपके बचे हुए डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।